अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज मम्मी और नूपुर मिलके नाश्ता बनाएंगे, ओके? हाँ, यस। घर में बनाने की क्या जरूरत है, नाश्ता तो हाजिर है। Here it is, आ जाओ। आप नूपुर? क्या हुआ? It's okay. आप ये सब मत कीजिए ना, प्लीज। बाहर दूध वाले के यहाँ भी आप क्या जरूरत थी? अरे दूध वाले को तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। जिस तरह की बदतमीजी कर रहा था ना आपसे, 354-509 लगती, अंदर जाता बाहर नहीं आ पाता वो। लेकिन क्या जरूरत थी? मैं भी वही। एक बात बताइए, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? अब ये चाहती हैं कि छोटी से छोटी बात के लिए आपकी परमिशन लूं मैं रिटर्न में, आपकी रजामंदी की मोहर लगे हर बात के ऊपर। ये तो बहुत गलत बात है। एक्चुअली माना आपके बच्चे हैं, आपकी दुनिया है, आपको जो बदलाव इनमें लाना है लाइए। मैं तो सिर्फ नाश्ता लाया हूँ, क्या बुरा किया है मैंने? क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, आई एम सॉरी, वो मतलब नहीं था मेरे कहने। नहीं, आप शायद ये फील करने लगी है ना कि मैं पीछे पीछे आता रहता हूँ आपके, है ना? पीछे पड़ गया हूँ आपके, है ना? मैं भी गया ना, अब इस चीज से अब मुझे भी ये बचकानी लगने लग गई, ये मुझे भी बेवकूफाना लगने लग गया है। मैं भी अब थक गया हूँ इस बात से। आप नहीं चाहती ना कि ये खाएं? ठीक है, नहीं खाएंगे, आप बाहर फेंक दीजिए ना डस्टबिन में। आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं। और एक बात और है, अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कौन सा इंप्रेस करना है आपको? मेरा जमीर जो मुझे अलाउ करेगा मैं इनके लिए करता रहूंगा। फिर भी आपको इतनी दिक्कत है तो आप पुलिस बुला लीजिए ना। अरे वही लगेगी वो 354D स्टॉकिंग। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप गलत बात ही बुरी लगती है। ये फेंक दीजिएगा। दिमाग खराब हो गया इस सौदा का। हमारे नाम पे नोटिस भेजा उसने। अशोक के नाम की जायदाद का बंटवारा करिए और उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके। उसका एक हिस्सा हमें दीजिए ताकि वो कृष्णा को दे सके। और कितना गिरेंगी आप? ये उम्मीद नहीं थी आपसे। भैया महुआ कैसी है? महुआ की हालत छोड़िए, हमें तो आपकी सोच खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सोच के कारण हमारा रिश्ता खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। आप पर हमारा यकीन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भैया हमारे बच्चे की पहले जान ले ली आपने और महुआ की ये हालत कर दी, और अब ये, और क्या क्या करना चाहती हैं आप? अब क्या हुआ है भैया? हाँ ये सवाल पूछकर अनजान बन रही हैं आप। बोलिए ना, बताइए ना। हमें खुद पर ही गुस्सा आता है जो आप पर यकीन किया, आंख बंद करके आप विश्वास किया, देवी माना था आपको, लेकिन आप ज़्यादा बाप बनने की कोशिश मत कर, अपने काम से काम रख, चल फुट। अपने काम से काम तो आप भी नहीं रख रहे। अगर आपने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो उनसे आपके कोई रिश्ते भी नहीं हुए ना, फिर आप बीच रास्ते में उनसे ऐसे बहस क्यों कर रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो आपके घर वाले मेरे मालिक भी नहीं रहे, और ना ही कभी अच्छे मालिक रहे हैं जो सोचकर आपका लिहाज करूं। अरविंद गुप्ता, आगे से आप ध्यान रखिएगा। जब तुम हमारे घर आए थे ना तो हमें तुम्हारी हालत पर तरस आता था, दया आती थी, लेकिन अब तुम बदतमीज हो गए हो। आज तुमने हमसे जैसे बात की है ना, हाँ तुम हमारी आंखों में खटकने लगे हो। अरे दया नहीं की होती ना तुम पर तो आज ऐसे बातें नहीं कर रहे होते हमसे।
ऐसा बीच सड़क पर सबके सामने। ध्यान रखना, आइंदा से अगर तूने हमसे ऐसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे कहाँ है रे तू यशोदा? मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए तेरा आना जरूरी है, तेरी बदनामी के लिए, तेरे घर वालों की तबाही के लिए तेरा आना जरूरी है। कहाँ है तू? I'm extremely sorry sir, मैं लेट हो गई, I'm sorry. नहीं, it's okay. आप इतनी परेशानियों से जूझ रही हैं, फिर भी आ जाती हैं, इतना बहुत है। बैठिए, चाय पियेंगी? नहीं, thank you. घर से तो पी के नहीं आई होंगी, ये लीजिए। It's okay, thank you. Come on, it's okay. मैं आता हूँ अभी, बैठिए प्लीज। मम्मी, हमारे घर चलो ना प्लीज, यहाँ बहुत अजीब लगता है, उस चटाई पर नींद भी नहीं आती है। बहुत पैसे चाहिए, घर में इस वक्त जरूरत का सामान भी नहीं है, ये सब मैनेज करने के लिए कहाँ से लाऊं इतने पैसे, कैसे पूरा करूं सब। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।